हेलो फ्रेंड्स, मेरे सामने अनीश जी बैठे हैं जिन्होंने नवंबर 2022 में अपना ग्रुप वन का एग्जाम दिया और इनको एसएफएम में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। 80% मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया, इनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स एसएफएम में हैं। तो बहुत लोगों का सपना होता है 80% स्कोर करना सीए में, वो भी फाइनल में आकर। आपने इतना अच्छा स्कोर किया, ये डेफिनेटली बताता है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर थे। ये बताता है कि आप बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपको किसने सजेस्ट किया कि आदित्य जैन सर से ही क्लासेस करनी है, और आपको क्लासेस ओवरऑल कैसा लगा, जो क्लास के कॉन्सेप्ट थे वो कैसे लगे, स्टॉक मार्केट का जो एप्लीकेशन था वो कैसा लगा, जो हमारी क्लास की मोटिवेशन थी वो कैसी लगी, जो क्लास में हम नोट्स लिखवाते थे वो कैसा लगा, जो हम ये मान के नहीं चलते थे कि बच्चा इंटर में कुछ पढ़ के आया है, और हम हर चीज इंटर का भी हम पढ़ा के चलते थे कि हम बच्चे को एकदम जीरो लेवल से बेस बना के चलते थे ताकि बच्चा कभी भी कोई दिक्कत फेस ना करे। फाइनल में आकर एग्जाम पेपर जब देखा तब कैसा लगा? एग्जाम से पहले एक दिन रिवीजन अच्छे से हो पाया कि नहीं हो पाया, और जब रिजल्ट देखा तो क्या भाव थे? ओवरऑल आप एसएफएम एज ए कंप्लीट पैकेज, आपने जो मैंने आपको दिया वो आपको लगा कि नहीं लगा? स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगे कि एसएफएम में अगर आपको मार्क्स लाना है तो आपको ये कर लीजिए, अपने आप मार्क्स आ जाएगा और कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनिश जी, पूरा दुनिया आपको सुनना चाहती है, प्लीज अपने व्यूज बताएं। बड़ी बड़ी कंपनीज आपको देख रही है, आपके इतने अच्छे मार्क्स फाइनेंस में आए हैं, आगे चल के आप फाइनेंस सेक्टर में भी बहुत अच्छा करेंगे मेरा मानना है। आगे चलकर मैं आपसे एक बार और इंटरव्यू लूंगा जब आप और ज्यादा नई ऊंचाइयों को छुएंगे। प्लीज अपने व्यूज बताएं ताकि लोग भी मोटिवेट हो सकें। थैंक यू सर। थैंक्स टू आदित्य जैन क्लासेस आल्सो। तो सबसे पहले मैंने 2019 से अपना सीए फाइनल का प्रिपरेशन शुरू किया था, तो तब मैंने प्लानिंग करी हुई थी, बट एज पर माय प्लान इन 2019 एसएफएम के क्लासेस में किसी और फैकल्टी से लेने का सोच रहा था। बट तभी मैंने अपने एक ऑफिस में जो रिसेंटली सीए क्लियर हुई थी उसके पिछले ही अटेम्प्ट में उससे बात की, तो उसने आपके क्लासेस लिए थे, तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि जस्ट गो फॉर आदित्य जैन सर क्लासेस विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, और तुम बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे, तुम ये मुझे एग्जाम के बाद बताना। तो जिस दिन रिजल्ट आया मैं उससे वही बात कर रहा था कि दैट वाज लाइक द बेस्ट डिसीजन आई मेड कि आई वेंट फॉर योर क्लासेस, और आपकी वो फ्रेंड एकदम अगर ही सुन राइट। रही है, अगर ये सुनेगी तो आपकी फ्रेंड को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट मुझे उन्होंने भेजा। हाँ अनीश जी ने 80% सिक्योर करके मेरा और हमारे पूरे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। थैंक यू आपकी फ्रेंड को जिन्होंने इतना अच्छा रिकमेंड किया आपको। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जैसे उसकी एग्जेम्पशन आई थी तो उसने बोला था कि अगर तुझे एग्जेम्पशन बेयर मिनिमम कम से कम एग्जेम्पशन तो तुझे चाहिए, तो जस्ट गो फॉर सर्स क्लासेस, तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही तेरा एसएफएम में एग्जेम्पशन तो मतलब पक्का ही है, ऐसे उसने मुझे कहा था। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग जैसे मुझे पता चला, और फिर आपके क्लासेस मैंने लिए और देखना शुरू किया। तो क्लासेस के बारे में अगर मुझे बताना हो तो 2019 में लिया था, तो तब वो डर था मन में कि अमेंडमेंट्स आएंगे या फिर कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस होंगे, तो कैसे कवरेज होगा, क्या होगा, क्योंकि एग्जाम ऑलमोस्ट 3 साल के बाद था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सब ख्याल थे, बट एज एंड व्हेन क्लासेस होते गए और आपका जो टेलीग्राम पे लर्न टू अर्न का जो हमारा ग्रुप था वहां पे जो लिंक्स दी हुई थी अमेंडमेंट्स की, वहां पे एवरी अटेम्प्ट के बाद जो जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस अपडेट होते थे या मटेरियल में ऐड होते थे वो सब का कंपाइलेशन मिलता रहा, और वहां से इट वाज वेरी स्मूथ, बहुत ही सीमलेसली सारी चीजें मतलब थी। ऐसे कभी लगा ही नहीं कि कुछ स्ट्रेस हो रहा है या कहीं कुछ मिस आउट हो रहा है, ऐसे कुछ लगा ही नहीं। जैसे मैं बाकी ग्रुप वन के बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तो कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में आई हैड दिस ट्रबल कि मैं इस चीज को कहाँ से कवर करूँ, या इसके लिए मैं किसी और के वीडियोज देख लूँ या ये कर लूँ। बट एसएफएम के लिए वो एक सेकेंड के लिए या एक पल के लिए भी ऐसा कुछ था ही नहीं कि मुझे कहीं और जाने की जरूरत है या कहीं किसी और का कुछ सुनने की जरूरत है। तो क्लासेस में आपका जो वो इनिशियली पॉजिटिव थॉट और एंडिंग विद द पॉजिटिव थॉट वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैंने ऐसे बहुत सारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स करके रखे हुए हैं आपके, जो मतलब आप स्टोरी शेयर करते थे या फिर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते थे, और थ्रू आउट प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप वन एंड इवन अब जो मैं ग्रुप टू करूंगा उसमें डेफिनेटली आपके जो मतलब आपकी आवाज और जो अंदाज में आपने बताया है विल डेफिनेटली लिसन टू इट थ्रू आउट। और क्लासेस में आपने प्रैक्टिकली भी स्टॉक मार्केट को लिंक करके करवाया है, सो इट इज नॉट जस्ट कि आप मॉड्यूल का कवरेज दे रहे हो, बट उससे एडिशनल जो हमें आगे चल के आफ्टर क्लियरिंग हेल्प मिलेगी उसमें भी काफी मतलब इट वॉज वेरी हेल्पफुल। फिर जो आपने नोट्स लिखवाए, तो मेरी बुक्स मेरे पास है और वो मेरे पास हमेशा रहेंगी, एसएफएम की बुक्स, अगर कोई भी बुक्स ना हो बट जो नोटबुक्स आपने लिखवाई है वो मेरे पास हमेशा, आई विल कीप इट विथ मी, बिकॉज
1200 पेजेस अप्रोक्सीमेटली मैंने नोट्स लिख के हाथ से बनाए हैं, और मैंने जिस तरह से आपने क्लास में रेड और ब्लू या रेड और ब्लैक से लिखवा है, सेम उसी तरह से मैंने फुल नोट्स रेप्लीकेट किए हैं। और मैंने SFM क्लासेस कंप्लीट करने के ऑलमोस्ट 3 मंथ बाद जब उस बुक्स को खोला और रिवाइज करने में बैठा, तो ऐसा लगने लगा जैसे आप खुद ही अपने आप एक्सप्लेन कर रहे हो। और हम जैसे जैसे उसको रीड करते गए तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था जैसे सर ही बता रहे हैं, और ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कुछ नया पढ़ रहे हैं या कुछ भूल गया हूं, ऐसे बिल्कुल नहीं लगा। एकदम सब कुछ दिमाग में फ्रेश था और सब कुछ बहुत ही कहते ना वो सरलता से सहजता से सब कुछ दिमाग में फिट होते जाता था, और एकदम विदाउट एनी प्रॉब्लम सारा कवरेज हो जाता था विद जस्ट द नोट्स दैट यू हैड प्रोवाइडेड। सो दैट वाज आल्सो अ फैंटास्टिक थिंग। और 4 नोटबुक्स थी जो आई विल ऑलवेज कीप इट विथ मी, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट फाइनेंस का कहीं से भी रिवाइज करना हो आपके नोट्स में वो मिल ही जाएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे बट इट वॉज कॉम्प्रीहेंसिव इनफ। और फिर एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था जब मैं स्टडी लीव में लाइब्रेरी में बैठ के SFM रिविजन कर रहा था मेरे एक फ्रेंड के साथ, तो वो अपनी मॉड्यूल लेके आया और उसकी मॉड्यूल एकदम ऐसी घिसी पिटी हुई, एकदम पुरानी हो गई थी, और मेरी ICI की मॉड्यूल थी वो एकदम नई थी, बिल्कुल अनटच्ड। तो वो कहने लगा कि मतलब तुमने मॉड्यूल से पढ़ाई नहीं की है तो किस तरह की तुमने SFM की पढ़ाई की है, मॉड्यूल तो पढ़ो या फिर मॉड्यूल के सम्स तो करो, तुम क्लियर कर पाओगे कि नहीं। तो मैंने बस उसको कुछ उस वक्त जवाब दिया ही नहीं, और अभी जो है वो Group 1 दोबारा से प्रिपेयर कर रहा है और मैं Group 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो वही एक फर्क था कि मॉड्यूल रेफर करने की या कहीं से कुछ और सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मटेरियल है वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, आपने जो वास्ट है, मतलब मैं वही कहता हूँ इतना ज्यादा है कि क्या कहे, मतलब मैं कहता मैं बोलता हूँ आप कुछ भी रेफर करो लेकिन मेरे मटेरियल को 5 बार कर लो। आज तक मुझे 15 साल में एक ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने मेरे मटेरियल को 5 बार करने के बाद मुझे ये मैसेज किया कि सर क्या करना है, और मतलब उसको हिम्मत ही नहीं होती, हिम्मत ही नहीं होती। मैंने 5 बार ही आपका मटेरियल, जैसे आपने बार बार कम से कम हर बार मैंने आपसे सुना है कि जस्ट डू माय मटेरियल 5 टाइम्स और बस हो गया, तो मैंने वही फॉलो किया। आपके मटेरियल के अलावा ना मैंने कोई इंस्टीट्यूट के MTPs ना RTPs ना कोई पास्ट पेपर्स ना ही उनका मटेरियल, कोई कुछ रेफर नहीं किया, बस आपके मटेरियल और आपके जो अमेंडमेंट शीट्स थी वो 5 टाइम्स रिवाइज करी है। और एग्जाम लिखने के बाद इनफैक्ट मुझे ये देखना है कि उन्होंने मेरे पेपर में वो 20 मार्क्स काटे कहाँ पे है। थ्योरी की तैयारी मैंने जो थ्योरी के मेन टॉपिक्स थे वो मॉड्यूल से किए थे और बाकी के जो टॉपिक्स थे वो आपकी बुक से ही किए हुए थे, तो उसमें बस Question 1 का जो थ्योरी था वही मुझे नहीं आता था, बाकी के थ्योरी भी 100% मुझे आते थे। तो मैंने पेपर इतने कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट किया कि एग्जाम में 4:10 जब हुए थे 4:10 को मेरा सारा SFM का पेपर कंप्लीट हो गया था विथ ऑल द फॉर्मेटिंग, सब कुछ एकदम नीटली अटेम्प्ट किया था मैंने, 4:10 को मेरा पेपर हो चुका था। इतनी मतलब मेरी अच्छी तैयारी थी और प्रैक्टिस थी कि 4:10 को आई वॉज डन, और मैं देख रहा हूँ बाकी सब लिख रहे हैं बट आई वॉज लाइक कुछ छूट तो नहीं गया, बट सब कुछ लिख दिया था। और आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर नियर 90 ऑल्सो, बट आई रियली वॉन्ट टू सी कि उन्होंने कैसे मतलब इवेल्युएट करके कट किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब हाथ में आया तब से लेके एंड तक ऐसे था कि हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व किया हुआ है, हर क्वेश्चन देखा हुआ है, ऐसे कुछ नया जैसे कुछ लगा ही नहीं, तो बस ऐसे एक फ्लो में ही पेपर जो है वो सॉल्व हो गया आराम से। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, मैं चाहता हूँ कि आप आंसर शीट जरूर मंगवाएं और हमें भी पता चले कि क्या मंगवा ली है, तो प्लीज आप जब आ जाएगी तो मुझे भी जरूर बताइएगा ताकि मैं भी देखना चाहता हूँ कहाँ आपके मार्क्स कटे हैं, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि आप 100% के लिए तैयार किया था, अपने अपने सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर थे, तो बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने पेपर लिखा, तो इवन आई वॉन्ट टू सी कि मतलब उन्होंने या तो मेरी कहीं कुछ ऐसे मिस्टेक सिली मिस्टेक हुई होगी या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने इवेल्युएशन में कुछ किया होगा, तो आई एम क्यूरियस टू नो कि मतलब उनका कैसे इवेल्युएट हुआ है मेरा पेपर स्पेशली फॉर SFM। बाकी सब्जेक्ट्स तो चलो ठीक ही थे बट इस सब्जेक्ट में मेरी तैयारी बहुत स्ट्रांग थी तो उस वजह से। और जो स्टॉक मार्केट की बातें हम कहते थे, फाइनेंस लाइन के बारे में हम जो मोटिवेट करते थे, वो वाला पार्ट कैसा लगा? तो वो पार्ट तो बिल्कुल ऐसे ही था कि मतलब मेरी आर्टिकलशिप जो थी वो प्रॉपर टैक्सेशन में हुई थी, तो मुझे फाइनेंस लाइन का ना तो उतना आइडिया था और ना ही उतनी उस चीज में इंटरेस्ट थी उस लाइन में। तो जब मैंने आपके क्लासेस शुरू किए तो विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 3 to 4 डेज उस लाइन में मुझे इतना मतलब इंटरेस्ट आने लगा और
नाउ आई कैन से दैट आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग, और मैंने शुरू भी कर दिया है बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने उस तरह से हमको गाइड किया और प्रैक्टिकली आपने क्लास में जो है इंट्राडे करके दिखाया और काफी सारी चीजें, वो तो बहुत सारी हर चैप्टर के साथ उस चीज का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपने करवाया हुआ है डेफिनेटली, तो उस चीज से मुझे बहुत नॉलेज मिली है, मेरा गेन भी हुआ है, इनकम भी हुआ है, ऑफ कोर्स लॉस भी हुआ ही है, बट उस चीज का मुझे नॉलेज मिला है जो शायद किसी और फैकल्टी के साथ करता तो सब्जेक्ट से रिस्ट्रिक्टेड होता, बट यहाँ पे नहीं था, तो दैट वॉज ऑल्सो ग्रेट, सो इट इज वेरी मच रिकमेंडेड टू गो फॉर योर क्लासेस, एंड ऑल्सो रिकमेंडेड कि आप एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले ही शुरू कर दें ताकि आपके पास समय हो, आप बाकी जो प्रैक्टिकल चीजें हो उस पर भी ध्यान दे सकें, और टेक अवे जितना, मतलब आपके पास तो ऑफकोर्स ज्ञान का जो महासागर कहते हैं वो है इन SFM, तो जितना हो सके आपसे हम एक्सट्रैक्ट करें तो उसमें हमारा ही फायदा है। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा आपने कहा, थैंक यू अनीश, आई होप आप आगे जो भी आप ऊंचाइयों को छुएंगे आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करें। यस सर, थैंक यू वेरी मच।